जस्ट इन केस अगर आप लोगों को लगता है मैं फिनिश कर पाऊंगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में नारुतो लिख देना, और जिस किसी को लगता है कि नहीं कर पाऊंगा वो सास्के लिख देना। लेट्स सी हाउ इट इज। कभी भी नहीं सोचा मैंने पहले ऐसे कि काश एक हाथ में सब्वे हो, खा रहा हूँ और अचानक मेरे को मैकडी खाने का मन करे तो मैकडी का मेरा फेवरेट रैप मेरे हाथ में आ जाए और मैं उसका। कितनी तगड़ी फैंटेसी नहीं है फूडीज के लिए। आज का वीडियो जो है ट्रस्ट मी ऑनेस्टली दिस ये एक ऐसा वीडियो है, मतलब इसके बारे में मैंने कल जब डीपली सोचा ना, जब मैंने रात को मेन्यू डिसाइड किया और फिर मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो मतलब एक फैंटेसी टाइप होता है ना फूडीज का, कि आप KFC से कुछ अभी खा रहे हो, सडनली आपका मन किया कि आप मैकडी का भी एक बाइट मार लो, उसी बीच आपका मन करा कि भाई यार अगर बर्गर सिंग मिल जाता तो मज़ा आ जाता, फिर आपको थोड़ी देर में लगा कि यार वैसे सब्वे भी कुछ बुरा तो नहीं है, एक बाइट सब्वे का भी हो जाता तो मज़ा आ जाता, बर्गर सिंग भी आ चुका है तो भाई बर्गर किंग का भी तो होना बनता है, और इसी बीच अगर आपका मन करे कि यार कुछ तो मिसिंग है तो फिर तो एक बाइट तो इन सब के बीच में डोमिनोज का भी बनता है। पेस्ट्री अपसाइड डाउन आई है भाई। चलो जरा फटाफट से करते हैं अनबॉक्स, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। So what's up guys, welcome back to another mukbang। भाई बात है कुछ ऐसी, ये सारे के सारे ब्रांड्स इंटरनेशनली सर्व करते हैं, इंटरनेशनली इनके आउटलेट्स हैं भाई ढेर सारे, और हम सब इन सभी फूड ब्रांड्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। सब में से एक एक मेरे फेवरेट फूड आइटम्स यहाँ अभी मेरे सामने मौजूद हैं, कैलोरीज भरपूर बेहिसाब, मतलब मिनिमम 5000 लेके चल लो, मैंने कैलकुलेट तो नहीं करी बट मिनिमम 5000 है। इनमें एक अपना लोकल फूड ब्रांड भी है जिसका नाम है एलोराज मेल्टिंग मोमेंट, इधर से मैंने हॉट डॉग मंगा रखा। सबसे पहले है मेरे पास KFC का डबल डाउन बर्गर, एडवर्टीजमेंट्स में अलग ही दिखता है और यहाँ देखो सामने कैसा दिख रहा है, चिलगुजा सा। साथ में है मेरे पास चिकन जिंगर प्रो बर्गर KFC का, भाई ब्लैक कलर के डब्बे में आए हैं, इससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं मुझे। ये है भाई पनीर स्पाइसी रैप, मैकडी से मैं कुछ मंगाऊं या ना मंगाऊं बट ये जरूर मंगाता हूँ। इस साइड है भाई अपना बर्गर किंग से मटन वॉपर, भाई सही बात बताऊं तो ये मुझे प्रशांत ने रेकमेंड किया है, बोलता है कि भाई मजा आ जाएगा तो मैंने आज ये ऑर्डर कर दिया उसकी चॉइस से। इधर है भाई अपना सब्वे का अमेरिकन ग्रिल्ड चिकन सब, पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर में कैसा दिखाया था, और ये देहरादून के आउटलेट ने ऐसा दे रखा है। बर्गर सिंह से अमृतसरी मुर्ग मखनी बर्गर, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हेफ्टी, दिखने में बेहतरीन। मेल्टिंग मोमेंट्स एलोरास से चिकन कबाब हॉट डॉग, और भाई ये सारे के सारे ब्रांड्स आ रहे हैं तो अपना डोमिनोज तो बनता है। तो भाई इधर है अपना चीज़ एंड कॉर्न चीज़ बर्स्ट बेस के साथ एक रेगुलर पिज्ज़ा, अब इंतज़ार नहीं हो रहा। मैकडॉनल्ड्स के वेज आइटम से स्टार्ट करते हैं, ये है भाई पनीर स्पाइसी रैप। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। अब आ जाते हैं KFC डबल डाउन बर्गर में। एडवर्टीजमेंट्स में दिखाया जाता है एक स्क्वायर चिकन पैटी ऊपर से, एक स्क्वायर पैटी नीचे से, सच्चाई में भाई बहुत ही ज़्यादा अलग अलग शेप्स की पैटी हैं, बट एनीवे टेस्ट देखते हैं। लेट्स सी। अरे यार मैं एक चीज बोलना भूल गया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना ये ज़रूर बताना कि आपका इन सब में से फेवरेट आउटलेट कौन सा है, और अगर आपका इनमें से कोई फेवरेट आइटम भी है फूड आइटम तो प्लीज़ वो भी बता देना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हम देख सकें कि कितनी हमारी चॉइसेस मिलती हैं। रोस्टेड गार्लिक मेयोनीज के साथ मैं KFC को हमेशा कोसता रहता था कि कुछ एक बढ़िया आइटम नया नहीं निकाल रहे हैं भाई।
एंड के लिए बचा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यार। या तो मैं भूखा हूँ, शाम को ही जिम करके आया हूँ इसलिए मुझे लग रहा है, या फिर भाई सही में ये भी ट्राई कर लेते हैं। क्या आप लोगों को लगता है मैं फिनिश कर पाऊँगा? मुझे नहीं लगता कि मैं फिनिश कर पाऊँगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप लोगों को लगता है मैं फिनिश कर पाऊँगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में नारुतो लिख देना, और जिस किसी को लगता है कि नहीं कर पाऊँगा वो सास्के लिख देना। मुझे खुद लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, बट आप लोगों का ओपिनियन देखते हैं भाई क्या है। ये है मटन वॉपर, मटन पैटी देखो भाई, ये खतरनाक। ऊपर से लेटेस है, अनियन है, थोड़ा सा इनका अपना हाउस मेयोनीज है। लेट्स सी हाउ इट इज। पिकल्स भी डाल रखे हैं। सारे के सारे आइटम्स में से सबसे महंगा ये है, 350 का पड़ा है मुझे। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ थोड़ा मेरे को वर्थ इट नहीं लगा। कभी मैंने कहीं और स्टेट का बर्गर, सिंह का ये वाला बर्गर ट्राई नहीं किया, अदरवाइज मैं डिफ्रेंशिएट कर पाता। तो अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये बर्गर किंग की गलती है या फिर ये देहरादून के आउटलेट की गलती है, कुछ भी हो सकता है। अमृतसरी मुर्ग मखनी बर्गर सिंह, बर्गर क्वालिटी मेरे को थोड़ी सी वो लगी, देख लो पकड़ने में ही वो छिज गया पूरा का पूरा। डालने ज़रा कैलोरीज बढ़ा देते हैं और इसकी, अब आ रहा है ना थोड़ा मज़ा। बहुत ही ज़्यादा बुरी क्वालिटी भाई। बन जब बासी होता है ना तब होती है उसकी ऐसी हालत, वेरी बैड। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इसे फिनिश कर दूं या छोड़ दूं, क्योंकि छोड़ मैं वो रहा हूँ जो मुझे एंड में खाने हैं, एंड के लिए बचाने हैं। बट अगर अभी खा लिया तो लोग बोलेंगे यार बेकार बेकार बोल रहा था फिर भी पूरा खा गया। कैसी कैसी दुविधाएं आती है। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ था की करेंगे। अब मजा भी नहीं आना, मन खराब हो गया ना। ये देखो भाई की शक्ल देखो और फोटो देखो जरा इसकी, कैसा दिखाते हैं कि कैसा होगा ये। देखो मैं अच्छे से मानता हूँ इस बात को कि यार डिलीवरी में ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर डिलीवरी में ऐसा होता है तो आप पैकेजिंग चार्जेस मत लो। जोमैटो में जब आप बिल पे कर दो तो पैकेजिंग चार्जेस अलग से लिए जाते हैं, मतलब डब्बे में दो डब्बे में भी नहीं देना। जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लग रही है वो चीज़ बेहतरीन हो रही है भाई, और जो चीज़ दिखने में बढ़िया लग रही है वो डिसअपॉइंट कर रही है। मेयोनीज ही मेयोनीज ख़त्म करनी है ना, वरना ख़राब हो जाती है जल्दी। मजाक कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन हो रही है भाई मैंने इसलिए डाल रहा हूँ हर चीज़ में। कभी भी नहीं सोचा मैंने पहले ऐसे कि काश एक हाथ में सब्वे हो, खा रहा हूँ और अचानक मेरे को मैकडी खाने का मन करे तो मैकडी का मेरा फेवरेट रैप मेरे हाथ में आ जाए और मैं उसका ऐसे एक बाइट ले लूँ। कभी नहीं सोचा था, और से थोड़ा सोचा जाए कितनी तगड़ी फैंटेसी नहीं है फूडीज के लिए। सब गया बर्गर सिंह आई एम रियली सॉरी, मैं रीति रिवाज नहीं कर पा रहा हूँ आजकल क्योंकि ये सारे वीडियोस प्री शूट हो रहे हैं। मैं अभी जब पंजाब के लिए निकलूँगा तो उस बीच मुझे एक वीडियो अपना स्टॉक में चाहिए, तो ये सारे के सारे वीडियोज़ ना मैं मतलब एक एक वीडियो आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये उसके भी अगले वाला वीडियो है, समझ लो। चिकन पेपरोनी, चिकन सलामी, श्रेडेड चिकन डाल तो रखा है बट बहुत कम कम है। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ।
भाई साहब बढ़िया था, बट कुछ एज सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था कि मैं एंड तक के लिए बचाऊँ। ये वीडियो जैसे कि मैंने बताया प्री शूट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो जाएगा डैडी के बर्थडे के आसपास। 17 सितंबर को होता है डैडी का बर्थडे, मम्मी का था 10 सितंबर को। तो ये पेस्ट्री मंगाई थी यार एलोरास से, बट डिलीवरी में यार इसके साथ ये हो चुका है, पूरी ख़राब हो चुकी। ओपरा पेस्ट्री थी, ऊपर ओपरा लिखा होता है बहुत बढ़िया बेहतरीन करके। फाइनली देखो, मैं ना आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, आप देहरादून आओ, कहीं से भी कुछ भी खा लो, बस यहाँ का डोमिनोज मत खाना। ये है इनका चीज़ बस्ट, व्हाट इज दिस डोमिनोज, अब टेस्ट तो देखो आकर्षित अपनी तरफ करता ही है, बट ये ऐसे ना बहुत डिसअपॉइंट करते हैं यार, ढंग से बनाते नहीं है। मैं देख रहा हूँ सारे के सारे वो आइटम्स हैं जिनसे ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। पता नहीं देहरादून में ऐसा क्या है, पता नहीं यहाँ के आउटलेट के डोमिनोज के एम्प्लॉयज चीज़ बचा के घर ले जाते हैं क्या। डोमिनोज का देखो जितना मेरे को बताएं, या हर आउटलेट का एक निर्धारित अमाउंट रहता है कि इस आइटम का तुमने इतना अमाउंट डालना ही डालना है। चीज़ बस में उनका एक अमाउंट है कि भाई इतना अमाउंट आपने डालना ही डालना है, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है तो ओवरली चीज़ बर्स्ट आपको दिखता होगा, बट कम डालने का क्या लॉजिक है भाई। और ये बात मैं एम ही नहीं बोल रहा हूँ, भानु भाई की शादी से पहले हम दोनों डोमिनोज भाई डाइन इन करते थे, एक एक मीडियम पिज्ज़ा खाते थे चीज़ बर्स्ट। जनरली स्पीकिंग 8 out of 10 times ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने पिज़्ज़ा वापस भिजवाया, क्योंकि वहीं खाते थे, मैं बोल देता भाई ये चीज़ बर्स्ट ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मैं उस टाइम मुंबई में था, मुंबई में भाई क्या चीज़ बस मिलता था। यहाँ का चीज़ बस का आपको साफ पता चल जाएगा है ही नहीं। मैं उनके काउंटर में जाके बोलता था भाई साहब ये चीज़ बस्ट ही नहीं है, देख लो आप कहाँ है इसके अंदर चीज़। फिर वो नया पिज़्ज़ा हमें देते थे, पुराना पिज़्ज़ा मैं बोलता था भाई ले आ लो नहीं करना कुछ, लेकिन बोलते नहीं है सर हमारी पॉलिसी ऐसी है कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हम आपको अपनी तरफ से एक पिज़्ज़ा देंगे, बट हाँ वो चेक करते हैं पहले, अगर सही में कम होता है तो ही भाई ऐसा होता है कि वो नया पिज़्ज़ा दे दें। आ जाएं ज़रा इसमें भाई, जिंगर प्रो बन भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, टमाटर हटा दो यार, लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज़। मेयोनीज प्लस बारबेक्यू सॉस भाई बढ़िया एकदम मेल्ट हो रहा है, चुप हो जाओ मेरे लालो, कैसे मिक्स हो रहे हैं भाई, प्लीज भूरी वो बात नहीं है यार, मतलब इसको जिंगर प्रो क्यों बोला जा रहा है वो नहीं आ रही बात समझ में। आईफोन्स की तरह तो नहीं कर दिया इन्होंने, जिंगर प्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा जिंगर सा। नॉर्मल जिंगर खा लेना यार, या फिर इनके दो डबल डाउन बर्गर खा लेना, दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। बर्गर सिंह भाई इंडिया से ही उठाए और इन्होंने अभी रिसेंटली यूके में भी अपना आउटलेट्स खोल दिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये सभी ब्रांड्स इंटरनेशनली सर्व करते हैं। एक चीज़ ज़रा मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पेट भर चुका हो इसलिए मुझे KFC जिंगर प्रो का टेस्ट ना आ रहा, बट ऐसा नहीं है भाई, अपने पनीर स्पाइसी रैप का फुल पावर टेस्ट आ रहा है बेहतरीन।
इसे ऑन करना पड़ेगा। क्या लगता है भानुमय को टेस्ट करवाना चाहिए, उनकी डाइटिंग है वैसे? नहीं मैं कह रहा हूँ एक एक बाइट मार लो, कैमरे के सामने आना पड़ेगा। देखो दिल से फूडी तो वो है ही, तो जितना भी कंट्रोल कर लो यार। तो भाई इन्होंने बाल कटाए हैं आज, न्यू लुक। बहुत टेस्ट किया। ये कौन सा? बर्गर सिंह। बन तो खैर फ्रेश टाइप का नहीं लग रहा, अंदर का माल बढ़िया देसी टच। देसी टच है, खा के देख लेता हूँ। पूरा मत खा जाना भाई प्लीज। ये ऐसा होता है? बीच में क्या डाला है इसमें चिकन के बीच में? पता नहीं कुछ कुछ हल्का फुल्का। ओके प्रॉपर चिकन का टेस्ट है लेकिन। चिकन का प्रॉपर। बैठ ही जाते भाई, मैं उठ जाता हूँ। नहीं भाई तूने बुलाया मेरे को कॉल करके, मैं अपने आप नहीं आया। मटन जहाँ सबसे ज़्यादा दिखाना है ना मटन, वहाँ से बाइट मारा। मुझे इसका चिकन ज़्यादा बेटर लगता अगर चिकन वाला मंगाया होता। ऐसे ही सेम, बाहर का मटन अच्छा नहीं लगता, घर में ही अच्छा लगता है। जाऊँ ये खाना है डोमिनोज? डोमिनोज ये एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, लास्ट टाइम नहीं किया था। ये चिकन ही है ना? नहीं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बट अगर जो हॉट डॉग का सॉफ्ट वाला बन वो यूज़ कर ले रहा है परफेक्ट। मैं नहीं खा रहा और ये ख़त्म कर देता हूँ एटलीस्ट, तो झूठा ना खाना पड़े। आपको सब में से बेटर क्या लगा? सब में से बेस्ट ये और ये और डबल डाउन, ये तीन चीज़ें मस्त लगी मुझे। 1 2 3 पिज़्ज़ा का भी एक बार खा के देन आई एम गोइंग ऑफ। पिज़्ज़ा मैंने खाया नहीं एक साल से। तो ये गलत खा लिया आपने, क्योंकि ये डोमिनोज वाले पता नहीं क्या करते हैं। चीज़ बर्स्ट बोला था, चीज़ बर्स्ट है ही नहीं वो, बकवास है। अच्छी ओके थैंक यू भाई। ये बर्गर खा लो भाई, मैं नहीं खा रहा हूँ। मेरे को मैकडी का रैप दे दे इससे बढ़िया। ये तो मेरा फेवरेट आइटम है, पनीर का मंगाया है तो ठीक है वही दे दे थैंक्स। एक बार ही दिखा दो कितना दिया है तो, वरना बाद में बोलते हैं उनका। मैकडी की मैं हमेशा इस बारे में तारीफ करता हूँ कि इनका क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी चेक सिस्टम बहुत ही तगड़ा है भाई। आप कहीं भी किसी भी स्टेट का मैकडी खा लो ऑलमोस्ट सेम टेस्ट करता है। I love McDonald's for their consistency. एलोराज मेल्टिंग मोमेंट के हॉट डॉग की एक बारी शक्ल देख लो। रैंकिंग की बात करें लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे बुरा मुझे आज की वीडियो में क्या लगा, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं डोमिनोज के लिए ऐसा बोलूँगा। कहाँ से है ये चीज़ बस, कहाँ दिख रहा है आपको इसके अंदर चीज़? यहाँ की पब्लिक को जो मिल रहा है वो उसमें खुश है, बट उस पब्लिक को ये नहीं पता है कि भाई ये जो चीज़ मिल रही है ना इसमें चीज़ कम है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट कम अच्छा हो रहा है। इनके चीज़ का ही तो एक अलग टेस्ट है, उसी में अगर कंजूसी की जा रही है तो फिर इसलिए यहाँ की पब्लिक इससे भी खुश है। और इसलिए यहाँ के डोमिनोज को मेरे ऐसे किसी भी कॉमेंट से कुछ बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट मेरी जितनी भी ऑडियंस है प्लीज़ देहरादून आओगे तो भाई डोमिनोज मत खाना। सेकंड लास्ट नंबर पे मुझे लगा बर्गर सिंह का ये अमृतसरी मुर्ग मखनी, उसके बाद KFC जिंगर प्रो। आई डू नॉट रिकमेंड दैट। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी मैं तो पगला चुका हूँ, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ले ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगा मटन वॉपर। अब आ जाते हैं इन टॉप थ्री में। थर्ड नंबर पे मुझे लगा ये हॉट डॉग, दिस इज फ्रॉम मेल्टिंग मोमेंट्स, देहरादून की बहुत फेमस बेकरी, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। सेकंड और फर्स्ट पोजीशन ये दोनों शेयर करते हैं भाई। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो हो सकता है मैं बायस्ड हूँ इसलिए मैं इसको
एकदम से फर्स्ट नहीं बोल सकता इसको, मैं इसलिए एकदम से फर्स्ट नहीं बोल सकता क्योंकि भाई ये है चिकन, दो ढाई महीने से मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था, तो इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे इतने लंबे गैप के बाद मैं खा रहा हूँ इसलिए मुझे ये इतना अच्छा लग रहा हूँ, इसलिए मैं इसे ही फर्स्ट नहीं बोल सकता। फर्स्ट सेकंड पोजीशन दोनों शेयर करते हैं। भानुभाई को ये बहुत पसंद आया तो ये भानुभाई के लिए छोड़ देते हैं। उस कंपटीशन में इसकी बात नहीं हुई थी जिस जिसने सास के लिखा था एडिट करके नारुतो कर दो। आज के वीडियो में एकदम ही उल्टा हो गया, जिससे लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी वो था डबल डाउन KFC, भाई बाजी मार ली, बेहतरीन हुआ। जिससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी डोमिनोज, भाई सबसे ज़्यादा लीस्ट अच्छा लगा मुझे। मेल्टिंग मोमेंट इतनी भी क्या फ्रेश बना दी तुमने, तो संभले नहीं संभल रही है। ये पूरी ऊपर क्रीम है, ठीक है। मम्मी का भी हम 17 को ही सेलिब्रेट करते हैं, दोनों का ही हम 17 को सेलिब्रेट करते हैं। आज 17 नहीं है बट ये वाला मकबैंग उसी के आसपास जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू मम्मी डैडी एंड लेट्स गो इन फॉर अ बिग बाइट। मैं रोज़ रोज़ ऐसी बातें नहीं बोलता, जब पेट भरता मैं बताया था भाई भर गया, लेकिन मैं अभी ये भी खा सकता हूँ, बहाने बैग ले छोड़ रहा हूँ, लेकिन तो मैं नारुतो डिजर्व करता हूँ भैया कमेंट सेक्शन में। भाई मज़ा आ गया, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, फैंटेसी, इट वॉज लाइक अ फैंटेसी कम ट्रू। तहो दिल से बता रहा हूँ, आई जस्ट होप कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया हो जितना मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए आया, बल्कि उससे ही ज़्यादा आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी लोगों का आज का मकबैंग देखने के लिए। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, मिलता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से नेक्स्ट मकबैंग में। पीस।